अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों सबकी, हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए। अच्छा जी, तो लास्ट जो हमने लेक्चर डिस्कस किया था उसमें मैंने आपको रोल्स थ्योरम का प्रूफ करवाया था, स्टेट एंड प्रूव रोल्स थ्योरम। तो उसमें हमने तीन कंडीशंस देखी थी कि एफ ऑफ जो फंक्शन है आपका वो कंटिन्यूस होना चाहिए इन सम क्लोज्ड इंटरवल ए बी, एफ इज़ डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी एंड एफ ऑफ ए इज़ इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट एट दैट पॉइंट सी आपके पास जो डेरिवेटिव है एफ प्राइम ऑफ सी इज़ इक्वल टू आ जाएगा ज़ीरो के। तो उसी थ्योरम की हेल्प से जो है वो अब हमने इसकी एप्लीकेशंस देखनी है। कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन नंबर वन है डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ रोल्स थ्योरम। इसके काफ़ी सारे पार्ट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट जो है वो आपके सामने मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, तो ये हम साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं। इसमें देखिए हमारे पास उसने एक फंक्शन दिया है एफ एक्स विच इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और एक ओपन इंटरवल दिया गया है 1, 2। हमने इसकी वैलिडिटी चेक करनी है रोल्स थ्योरम के लिए एंड आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। सी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमने सबसे पहले देखे क्या किया है कि क्योंकि एफ ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो याद रखें बच्चे जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो कंटिन्यूस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है ऑन रियल नंबर्स। तो ये तो एक छोटा सा इंटरवल है 1, 2। तो सिंस आप इसकी रीज़न बता सकते हैं एफ एक्स इज़ पॉलिनोमियल इन एक्स, तो लिहाजा एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूस भी होगा एंड डिफरेंशिएबल, मतलब इसका डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करता है इन 1, 2 ओपन इंटरवल। नाउ थर्ड लास्ट कंडीशन क्या होती है कि एफ ऑफ ए इज़ इक्वल टू एफ ऑफ बी, मतलब ए पॉइंट और बी पॉइंट पे दोनों वैल्यूज़ जो हैं हमारी फंक्शन की सेम होनी चाहिए। तो पहले हमने एफ ऑफ वन चेक किया एक्स में 1 पुट करके तो आंसर 0 आ गया, फिर 2 पुट करके चेक किया तब भी आंसर 0 आ गया। तो हेयर एफ ऑफ वन इज़ इक्वल टू एफ ऑफ 2। अब क्योंकि ये रोल्स थ्योरम की तमाम कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है तो लिहाजा रोल्स थ्योरम वैलिड हो जाएगा। अब रोल्स थ्योरम वैलिड हो गया तो रोल्स थ्योरम हमें क्या कहता है कि देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी बिलोंग्स टू ए बी, मतलब 1, 2 के दरमियान एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, एट दैट पॉइंट एफ प्राइम ऑफ सी आपका क्या हो जाएगा 0। तो अब एफ प्राइम ऑफ सी इस डेरिवेटिव के अंदर जब मैंने सी पुट किया तो ये बन गया 2c-3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से सी की वैल्यू आ गई है 3/2। दैट मीन्स रोल्स थ्योरम जो है वो वैलिड है एट सी इज इक्वल टू 3/2। सिमिलरली आप इसके बाकी एग्जाम्पल्स जो हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। ये यहाँ पर आपके पास एक मिनट ये की भी हुई है, ठीक है, mathcity.organization। ये एक बहुत बढ़िया जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बच्चे आपको ऑल वन टू ऑल जो है पीडीएफ नोट्स, शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है, पेपर्स एंड अदर रेलिवेंट मटेरियल जो है वो बीएससी का या आपके मैथ्स सिलेबस का, ये स्पेसिफिक है फॉर मैथ्स, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग पीडीएफ नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। इसके अलावा जो है वो आप वीडियो लेक्चर्स जो है वो नेट से, यूट्यूब से या किसी भी तरीके से जो है वो ले सकते हैं, ठीक है, जिनमें बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने इन कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किया होगा। खैर इसी लेक्चर को भी आप लेंगे तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी मदद मिलेगी। बाकी इसको आपने अच्छे से प्रैक्टिस करना है तो मैथ्स आप लोगों को बेटा प्रैक्टिस के बगैर नहीं आएगी, ठीक है। तो रोल्स थ्योरम हमने कर लिया, ये फर्स्ट एग्जांपल थी जो मैंने अभी आपको करवाई है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स हैं, साइन स्क्वायर एक्स, इसकी वैलिडिटी आपने चेक करनी है ऑन 0π। साइन एक्स क्यू का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो ये भी कंटिन्यूस भी होता है और इसका डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करता है। एंडिंग पॉइंट्स पे हमने इसकी वैल्यू चेक कर ली, वो भी सेम आ गई, तो उसने कहा लिहाजा एग्जिस्ट करता है एंड सी की वैल्यू उसने फाइंड कर लिया विच इज़ 0 and π/2। अब नेक्स्ट देखें इस क्वेश्चन में दो पॉइंट्स हैं -1 and 1। जब इसमें पुट किए तो -1 पे आंसर 2 आ गया और 1 पे आंसर 0 आ गया। तो थर्ड कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रही, दैट मीन्स रोल्स थ्योरम वैलिड नहीं है एंड वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, वो कहता है बाय लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम की मदद से आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास ये क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 7 से आई थिंक ये स्टार्ट हो रहे हैं। इसमें दो पेज मिसिंग है, ये देखें 292 के बाद 295 है, लेकिन ये लग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी बुक पे है, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस नहीं माइनस 1, और आपने इंटरवल है आपके पास माइनस 11/7 एंड 3/7। ठीक है, इस इंटरवल पे आपने इसका लग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम या मीन वैल्यू थ्योरम की मदद से सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें देखिए, क्योंकि लग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का फार्मूला हमारा थोड़ा डिफरेंट होता है, ये हमारे पास फार्मूला एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ सी। तो बी माइनस ए डिवाइड हो रहा है एक साइड पर, आप दूसरी साइड पर जाके इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एफ ऑफ ए कैलकुलेट किया है, गैट इज एफ ऑफ माइनस 11/7, फिर डेरिवेटिव लिया है, ठीक है, और फिर एफ ऑफ बी भी कैलकुलेट किया है, और ये सारी वैल्यूज जो हैं वो पुट कर दिए हैं क्वेश्चन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 में। तो ये आपके पास बन गया, सबसे पहले एफ ऑफ बी, देन एफ ऑफ ए, फिर बी माइनस ए, एंड देन एफ प्राइम ऑफ सी, 3c² - 3। इनको सॉल्व आउट किया है, इसका एलसीएम ले लिया, ये वैल्यू 0 हो गई है, तो यहाँ से आपके पास सी की दो वैल्यूज़ आ गई हैं, दैट इज़ प्लस माइनस 1। ठीक है, अब आपने ये चेक कर लेना है कि ये प्लस माइनस 1 इस इंटरवल के अंदर है भी कि नहीं। अब क्योंकि आपका इंटरवल स्टार्ट हो रहा है माइनस 11/7 टू 13/7, दैट मीन्स 1. माइनस 1. समथिंग टू 1. समथिंग, तो दैट मीन्स प्लस एंड माइनस 1 दोनों इसके अंदर शामिल हैं, तो ये दोनों आपके पास सी की वैल्यूज हो जाएंगी। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, साइन एक्स, एंड ये क्वेश्चन आगे चलते जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है, तो ये ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। इसमें बस आपने सी की वैल्यू फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है मीन वैल्यू थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए हमने क्या करना है, शो करना है साइन एक्स माइनस साइन वाई मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई फॉर एनी रियल नंबर एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये प्लस नहीं है, कॉमा है, या एंड कह लें आप इसको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, उसने कहा है कि हम फर्ज कर लेते हैं कि उस फंक्शन को हमने नाम दे दिया है एफ ऑफ एक्स का, दैट इज साइन एक्स, या आप टी ले लें, क्योंकि हम क्यों दो वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे एक्स एंड वाई, तो इसलिए उसने इसको थर्ड वेरिएबल टी ले लिया। तो एफ ऑफ टी इज इक्वल टू साइन टी। अब क्योंकि ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो कि कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, तो बाय लग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम आपके पास क्या होगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ प्राइम ऑफ सी। तो वो कहता है कि हम क्या कह रहे हैं कि हैंस लग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम द मीन वैल्यू थ्योरम कैन बी अप्लाइड इन द इंटरवल एक्स वाई। अब यहाँ पे इंटरवल उसने ए बी की बजाय क्या ले लिया है, एक्स वाई, एंड द रियल नंबर जी, सी की बजाय क्या ले लिया है, जी। ठीक है, तो इसको इसमें पुट किया है, आप इसको जी की बजाय कुछ भी और लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ वाई माइनस एफ एक्स ओवर वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ जी। तो देखिए, जब आप साइन टी का डेरिवेटिव लेंगे तो आएगा कोस टी, और जब उसमें जी पुट करेंगे तो वो हो जाएगा कोस जी। तो एफ ऑफ वाई माइनस एफ एक्स ओवर वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू कोस जी। अब एफ ऑफ वाई, तो यहाँ पे जब आप वाई पुट करेंगे तो वो बन जाएगा साइन वाई, और जब यहाँ पे एक्स पुट करेंगे तो ये आ जाएगा साइन एक्स। अब यहाँ पे देखें, एक उसने कंडीशन लगाई है कि कोस जी, जो कोस होता है ना बेटा, इसकी हमारे पास रेंज होती है प्लस माइनस 1। अब कोस के अंदर जितनी बड़ी वैल्यू पुट कर ले, इसका आंसर कभी भी प्लस 1 से एक्सीड नहीं करेगा और ना ही माइनस 1 से छोटा होगा। तो इसलिए उसने कहा है कि मॉडुलस ऑफ कोस जी इज लेस देन इक्वल टू 1। देखें, ये एक इनइक्वालिटी है जो कि
ये एक चीज़ है जो कि लेस देन इक्वल टू वन है और ये इसके बराबर है, तो अगर ये लेस देन इक्वल टू वन है तो ऑटोमेटिकली सी बात है कि ये भी लेस देन इक्वल टू वन हो जाएगी। तो यहाँ से ये वापस आ गया साइन वाई माइनस साइन एक्स ओवर वाई माइनस एक्स मॉडुलस लेस देन इक्वल टू वन। अब डिवाइड में है तो मॉडुलस सेपरेट कर दिया, ठीक है, और ये उधर चला गया, तो ये आपका प्रूव हो गया विद द हेल्प ऑफ बाय मीन वैल्यू थ्योरम। सिमिलरली नेक्स्ट ये है, इसमें अब कोस ए एक्स और कोस बी एक्स है, तो फंक्शन हमने कोस टी ले लिया सेम एज इट इज़। ट्रिग्नोमेट्रिक होने की वजह से ये कंटिन्यूस भी है और डिफ्रेंशिएबल भी। अब हमने इंटरवल जो है वो ए बी या एक्स वाई के बजाय ए एक्स एंड बी एक्स ले लिया एज प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारे पास डेरिवेटिव कोस का आ जाएगा माइनस साइन, एंड सिमिलरली साइन इज आल्सो रेंज, जो साइन की रेंज है वो हमारे पास कोस की तरह ये भी क्या होती है माइनस वन से वन के बिटवीन, तो ये चीज़ लेस देन इक्वल टू वन हो जाएगी और ये आपका प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास यही क्वेश्चन टेन के साथ है, फंक्शन को टेन टी लिया है, इसमें पुट आउट करने के बाद हमारे पास इसका डेरिवेटिव जो है वो आ गया सिकेंड स्केयर। यहाँ पे इंटरवल जो है वो हमने माइनस एक्स टू वाई लिया क्योंकि इसकी जो हमारे पास वेरिएशन होती है वो माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू होती है, तो माइनस एक्स जब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो ये प्लस एक्स हो जाएगा, ये भी माइनस प्लस वाई हो जाएगा, ये सिकेंड स्केयर जी। अब इसकी जो रेंज है वो हमारे पास होती है ग्रेटर देन इक्वल टू वन, ठीक है, ये वन से एक्सीड करता है क्योंकि कोस के ऑपोजिट होता है ना। अब कोस क्योंकि हमेशा वन से छोटा होता है तो जितनी छोटी वैल्यू आप बटे के अंदर पुट करेंगे उतना आंसर आपका बड़ा होता जाएगा, तो वन ओवर कोस तो आपके पास आंसर जो है वो वन से इंक्रीज करता जाएगा। तो यहाँ से जब हम इसको पुट करेंगे तो ये चीज़ आपके पास इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है वो कहता है कि लेट एफ बी अ फंक्शन कंटिन्यूस ऑन ए बी एंड एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, प्रूव दैट एफ इज़ कॉन्स्टेंट, यूज दिस टू शो दैट साइन स्केयर एक्स प्लस कोस स्केयर एक्स इज इक्वल टू वन। वो कहते हैं कि आपके पास क्या है, हमने कंडीशन दी है कि ये कॉन्स्टेंट है, ठीक है, ऑन ए बी, तो हमने शो करना है कि इन दोनों का सम, ये फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी है आपकी ट्रिग्नोमेट्री की, इज इक्वल टू वन। अच्छा जी, तो इसमें देखिए वो कहता है गिवन एफ इज फंक्शन इज़ कंटिन्यूस, ये आपको गिवन दिया गया है कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस भी है, उसका डेरिवेटिव जो है वो ज़ीरो है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी, ठीक है, मतलब वो डिफरेंशिएबल है, डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, ज़ीरो है बेशक लेकिन एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल अनडिफाइंड नहीं आ रहा। तो बाय मीन वैल्यू थ्योरम क्योंकि दोनों कंडीशन एग्जिस्ट करती हैं, कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, तो एक्स वन एक्स टू कोई दो पॉइंट हम कह दें कि ए बी में से बिलोंग करते हैं सच दैट एक्स टू इज़ ग्रेटर देन एक्स वन, मतलब हमने एक ऐसा सब इंटरवल बनाया जिसमें आपके पास एक्स टू जो है वो एक्स वन से बड़ा है। वैसे भी ऑब्वियस सी बात है, जब भी आप इंटरवल लिखते हैं तो आपके पास बी जो है वैल्यू बड़ी होती है, हम छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं, तो एक्स वन एक्स टू इंटरवल जो है वो सब सेट हो जाएगा इंटरवल ऑफ ए बी का। तो एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन एफ प्राइम ऑफ सी आ जाएगा। देखें आपके पास मीन वैल्यू थ्योरम पूरे इंटरवल ए बी के लिए एग्जिस्ट करता है, तो पूरे इंटरवल ए बी के लिए एग्जिस्ट करता है तो उसके किसी सब इंटरवल के लिए भी एग्जिस्ट करेगा, तो यहाँ से हम कह देंगे कि ये आपके पास आ गया। अच्छा जी, अब एफ प्राइम ऑफ सी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो जब आप इस वैल्यू को ज़ीरो पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो ये ज़ीरो है तो मल्टीप्लाई होने से सारी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। हमने इसको ज़ीरो क्यों किया है, ये चीज़ ज़ीरो कैसे आई है, ये बेटा उसने क्वेश्चन में दिया है कि आपका जो डेरिवेटिव है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी के लिए ज़ीरो है, तो दैट मीन्स ये एक्स एफ प्राइम ऑफ सी बिलोंग्स टू एक्स वन एक्स टू के लिए भी ज़ीरो होगा, तो ये ज़ीरो हो गया तो ये सारा इक्वल टू ज़ीरो आ गया। यहाँ से एफ एक्स टू इज इक्वल टू एफ एक्स वन फॉर एक्स टू ग्रेटर देन एक्स वन, तो हैंस एफ इज़ कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट हो गया ना। देखिए हमने दो डिफरेंट वैल्यूज़ ली एक्स वन एंड एक्स टू, लेकिन दोनों पे आपकी जो फंक्शनल वैल्यू है वो क्या आ गई है, सेम आ गई है,
तो ऐसा फंक्शन हमारे पास क्या कहलाता है, कांस्टेंट फंक्शन, जिसमें हम एक्स की वैल्यूज डिफरेंट करते जा रहे हैं लेकिन आपके पास वाई का जो आंसर है वो एक ही आ रहा है, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, कांस्टेंट फंक्शन कहलाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अब हमने ये प्रूव करना था, इसी का एक पार्ट था कि इसको प्रूव करें, तो उसके लिए क्या किया उसने, डेरिवेटिव लिया, पहले इस पे पावर लग गया, फिर इस पे इक्वल टू जीरो आ गया, अब डेरिवेटिव जीरो आ गया, फॉर ऑल रियल नंबर एक्स चले आ गया, ये भी कांस्टेंट हो गया। अब उसने क्या, फर्ज कर लेते हैं उसको हम नाम दे देते हैं सी का। अब सिंस इक्वेशन वन होल्ड फॉर एवरी रियल नंबर एक्स, ये जो इक्वेशन वन है हर एक्स के लिए बिलो होल्ड करती है, सो इन पर्टिकुलर अगर हम इसमें एक्स की जगह पर जीरो पुट कर दें, साइन स्क्वायर जीरो जीरो और कोस जीरो वन, तो ये आपके पास जीरो स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर सी इज इक्वल टू वन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फॉर सम स्पेसिफिक एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, चले आज के लिए मेरा ख्याल है इतना ही इनफ है। ये नेक्स्ट हमारे पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन स्टार्ट हो रहे हैं एंड और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो हम फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफ़िज़।